आज इसरो करुछि ऐतिहासिक रॉकेट लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड रु एसएसएलवी D3 रॉकेट प्रेरण करा जाउछि 475 किलोमीटर उच्चरे घुरीबे दुई सैटेलाइट विपद पूर्व मिलिबो सूचना जंगल निया ज्वालामुखी पवन रो विश्लेषण आदि विषय रे तथ्य मिलि पारिबो। -15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 US-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन एसएसएलवी D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। क्लियर वेदर हियर इन श्रीहरिकोटा एंड अ गुड विजिबिलिटी फॉर द फ्लाइंग रॉकेट। यह तीसरी उड़ान एसएसएलवी की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चढ़ा है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। द एक्शन टाइम ऑफ SS-1 इज 115 seconds. फ्लेक्स नोजल फॉर पिच एंड योर स्टीयरिंग, फिन टिप एक्चुएशन फॉर द पैसिव रोल कंट्रोल। यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। Altitude of close to 68 kilometers in 114 seconds. +2 minutes. Shar and Trivandrum tracking stations are currently acquiring the data. Stage ignited, first stage separated. जी हाँ, इस कड़ी में जैसा निर्धारित था द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है तथा प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। We now have the confirmation of the completion of action of first stage, its separation, and the second stage already has commenced its operation. द्वितीय चरण भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 7.60 टन का ठोस नोदक है और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle. SS-2 currently operational. +3 minutes. यहाँ भूष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है, तो इसे यान से पृथक कर दिया गया है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण एसएसएलवी का प्रज्वलन रथ है। अराउंड 200 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। शार्ड, ट्रिवेंड्रम एंड पोर्ट ब्लेयर स्टेशंस हैव करेंटली द विजिबिलिटी ऑफ द फ्लाइट पाथ। यह चरण लगभग 109 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएगा, फिर इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। +4 minutes. इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। इसका अर्थ है वह अपने संवेदक से संकेत प्राप्त कर अपने दिशा निर्धारण स्वयं कर रहा है।
अब SS-2 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वह बंद हो चुका है। उसके साथ ही SS-2S-3 कोस्टिंग फेज जारी है। यह कोस्टिंग फेज लगभग 163 सेकंड तक जारी रहेगा। व्हीकल इज इन कंबाइंड होस्टिंग एंड परफॉर्मेंस इज नॉर्मल। द सेकंड स्टेज SS-2 हैज कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन बट प्रेजेंटली स्टिल विद द ऑनगोइंग रॉकेट एंड कंबाइंड कोस्टिंग इज इन प्रोग्रेस। दर्शक दीर्घा में यह साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने भरपूर आनंद लिया है प्रमोशन का। प्लस 5 मिनट। SS-2 SS-3 का कोस्टिंग फेज जारी है। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। EOS-8 नवीनतम उपग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें संचार, बेस बैंड भंडार और पोजीशनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को एकीकृत कर एवियोनिक सिस्टम तैयार किया गया है, परफॉर्मेंस नॉर्मल, जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। इसमें कमर्शियल ऑफ द शेल्फ घटकों का इस्तेमाल कर कोल्ड रिडंडेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल पैनल में ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड अंतर्निहित किया गया है। इसके अलावा इसमें बैटरी, ड्यूअल जिम्बल एंटीना, फेज एरे एंटीना और लचीला सोलर पैनल लगाया गया है। इनमें से हर एक घटक ऑनबोर्ड तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा है। US-8 उपग्रह के तीन मुख्य नितभार हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और सिलिकॉन कार्बाइड पैरामैग्नी डोजीमीटर। यह उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण, आग का पता लगाना, ज्वालामुखी, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया है। इसे दिन व रात, मध्य व दीर्घ तरंग में इंफ्रारेड बैंड में प्रतिबिंबों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। जहां रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अभी इसकी पुष्टि की, द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है और तृतीय चरण का सफलतापूर्व प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We just now have had confirmation from the range operations director that the second stage has been separated and the third stage has commenced its third stage operation performance normal. And is performing nominally. Third stage also is a solid rocket propellant based stage with 4.5 tons of propellant loading. वर्तमान में SSLV का तृतीय चरण SS-3 प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें लगभग 160 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। इसका कार्यकाल लगभग 110 सेकंड का होगा। ड्यूरिंग द 110 सेकंड्स ऑफ ऑपरेशन द स्टेज कैरीज द रॉकेट टू 475 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड इंपार्टिंग 7.2 किलोमीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी। Third stage performance normal. Whatever velocity and attitude remains to be added or curtailed is done by liquid propellant based velocity trimming module. Nominal thrust for third stage motor is 160 kilonewtons. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए यान अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब कुछ ही समय पर हम देखेंगे जब SS-3 उद्दिष्ट कक्षा में यान को ले जाएगा। स्टेज एक्शन कंप्लीटेड। तृतीय चरण का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद SS-3 की कोस्टिंग फेज शुरू हो गई है। व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। The next coasting phase is currently operational.
Let me just appraise the viewers in the meantime about the spacecraft. EOS-08 is an Earth observation satellite built on ISRO's Microsat IMS-1 bus. Images in the midwave and longwave IR bands acquired by electro-optical infrared payload during day and night will be useful for applications like satellite-based surveillance, disaster monitoring, environmental monitoring, volcanic activities, fire detection, and industrial and power plant disasters. Global Navigation Satellite System-based reflectometry payload aids in remote sensing to derive applications like ocean surface winds, soil moisture, cryosphere applications over Himalayan regions, flood detection, inland water body detection, etc. While India is preparing to send its first human mission to space in an indigenously developed crew module normal. As a part of Gaganyaan mission, the satellite EOS-08 serves as a platform to carry silicon carbide ultraviolet dosimeter that will be used to monitor ultraviolet irradiance on the viewport of crew module. The satellite EOS-08 is significant also for a host of new technologies that will be demonstrated. Communication, baseband, storage and satellite positioning functions have been integrated into a single package using commercial off-the-shelf components. Its multifunctional structural panel having embedded battery and power electronics cards enables mass and volume savings. RFS package consists of LNAs, S-band and X-band filters, switches and solid-state power amplifier. Micro dual gimbal antenna, flexible solar panel, pyrolytic graphite sheet diffuser plate and miniaturized phased array antenna are among the noteworthy new technologies. SS-3 का कोस्टिंग फेज जारी है. यह कुछ ही सेकंड में हम देखेंगे तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है. वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल इग्नाइटेड. आपने अपनी स्क्रीन पर देखा तृतीय स्टेज का पृथकन और यह अंत में वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है जिसे 12 मिनट उपग्रह को उचित अभिवृत्ति प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है. इसका भी थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है. इसका मतलब है यान अब उचित उपग्रह को सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशंस आर अचीव्ड. उपग्रह को अंतक्षेपित करने की स्थितियां प्राप्त हो चुकी हैं. द वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल हैड वर्क्ड फॉर अ मिनिमल टाइम टू एक्वायर द injection parameters for the primary satellite separation, and there is a confirmation that the orientation and the altitude are appropriate for the satellite separation. We are awaiting eagerly any time now the separation of EOS-08. This mission ke mukhya upgrah EOS-8 ko kuch hi samay par uddesh kaksha mein antakshepit kar diya jayega. तेबे इसरो ऐतिहासिक रॉकेट लॉन्चिंग करछि श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड रु. आज SSLV-D3 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च होइछि. जदि आपनकु हमर वीडियो टी भल लागिला तबे हमर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं.